जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं विश। तो जी व्यूअर्स, आज जो है पाक सेट के साथ NS6 की ट्राई करने जा रहे हैं। तो ये डिश पाक सेट 38 डिग्री पे सेट है, तो इसके साथ मैंने NS6 जो है ना रिसीव किया है। आप ये लें, ये देख लें, इसकी कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग कर ली है थोड़ी सी। तो फाइन ट्यूनिंग तो अभी मैंने नहीं की, वैसे ही मैंने लगाने के लिए ये जो है ना आपको दिखाने के लिए किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब भाइयों से दरख्वास्त होगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये डिश जो है ना पाक सेट पे खड़ी है, आप इस तरह इसका व्यू देख लें। तो ये देख लें, ये NS6 की यहाँ पर जो रिसीव हो रही है, ठीक है। तो आगे हमारा जो व्यूज़ है ये आप देख लें, ये दरख्त वगैरह हैं तो इसकी वजह से भी सिग्नल का मसला बन जाता है। तो आप अगर आपके पास 4 फुट की डिश है और ऊपर छत वगैरह पे रखी हुई है तो आप आसानी के साथ इसको रिसीव कर सकते हैं। अगर नीचे भी है तो आगे अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप जो है ना इसको रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक जो थी आपके लिए मैंने सेटिंग बनाई है, इधर से भी आप देख लें। शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा भी हो चुका है, तो इसलिए अगर वीडियो साफ ना दिखाई दे तो माजरत। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर व्यू बनाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इधर से भी आप देख लें, तो तकरीबन जो है ना इतना फासला बन रहा है। यहाँ से आप देख लें, वो मैंने राड लगाया था लेकिन वो राड छोटा था तो इसलिए मैंने अपना एक देसी जुगाड़ करके इधर सेट किया है। सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पे रिसीव हो सकती है, आप लोगों को दिखाना था कि यहाँ पे रिसीव हो सकती है। इसके मुकम्मल चैनल हमें पाक सेट के साथ भी मिल सकते हैं, तो आप भाई ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके पास चल जाएगी। तो आगे तो फिर जो हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद यहाँ से करीब से भी सेटिंग देख लेते हैं। ये आप देख लें, ये डिश और ये LNB ठीक हो गया। तो अब मैं आपको इसके चैनल को थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, चैनल चल रहे हैं। सब चैनल जो है ना बेहतरीन चल रहे हैं। तो शाम का वक्त है इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ ताकि अंधेरा काफ़ी हो जाएगा तो फिर मसला बन जाएगा। तो ये आपने देख लिया, वहाँ सामने टेलीविज़न चल रहा है, आप देख लें, ये वायर इसकी जा रही है ये रिसीवर के अंदर। यहाँ से ये LNB आप देख लें। तो इसके बाद मैं जो है LNB को यहाँ से तार को वायर को निकाल लूँगा और फिर जो है ना पाक सेट भी आपको चेक करवाता हूँ। तो मैं यहाँ से वायर निकालने जा रहा हूँ। एक हाथ में मोबाइल है तो इसलिए थोड़ी मसला जो है ना बन रहा है। तो ये जो वायर है मैंने निकाल दिया है। ये आप लोग, आप भाइयों के लिए ना इतनी मेहनत मैंने की है, तो आप भाइयों से गुजारिश होगी कि मेरे वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर ज़रूर करें ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वतन HD पाक सेट को सेंटर करके साइड बैलेंस NS6 की वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। आप ये देख लें, मैंने वायर लगा दिया यहाँ पर। तो यही वाली वायर जो है आप देख लें, ये इसको मैंने नीचे रख दिया है। ये आर्जी तौर पे मैंने एक सेटअप थोड़ा सा बनाया था, तो आप इसकी वायर वगैरह देख लें। अब पाक सेट को जो है ना हम लगा लेते हैं। तो ये पाक सेट हो गया जी। तो ये देखें जी, ये सपोर्ट चल रहा है।
सीसीटीवी नेटवर्क जियो। तो ये देख रहे हैं जी, पार्क साइड मुकम्मल चल रहा है। मैंने डिश जो है ना पार्क साइड पे सेट की थी, साथ में ये वाली सेटिंग बनाई थी एन सिक्स के लिए, तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप इस तरह करके जो है ना लगा सकते हैं आप एन सिक्स पार्क साइड के साथ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वतन एच को जो है ना सेंटर में करके इसके साथ एन सिक्स आप लगाने का तरीका आपको सिखाऊँगा। तो ये आप देख लें, यहाँ से व्यू थोड़ा देख लें, ये देखें तख्त वगैरह खड़े हैं, थोड़ी सी जगह बच रही है। कोशिश करें कि आपके पास इन साइड वाला एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होगा तब आपके पास आसानी के साथ सिग्नल आएगा। मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि दरख्त वगैरह थी, मेरे पास जगह नहीं थी, तो इस वजह से काफ़ी यानी कि कोशिश करने के बाद मुझे रिसीव हुई है। तो आप ये देख लें, ये चल रहा है, ये वायर वगैरह आप देख लें, ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना जी, और दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।